शतरंज चैंपियनशिप में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी 1 जनवरी को मेघालय के लिए रवाना होंगे। इसकी कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर कमल नैन सिंह ने शहरी क्षेत्र के रंजीत रेस्ट हाउस से दी। उन्होंने बताया कि 25वां ईस्ट जोन अंडर शतरंज टूर्नामेंट 2023-24 विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग की ओर से लंगटा बाबा कॉलेज में आयोजित करवाया गया था। इसमें महिला और पुरुष टीमों का चयन किया गया था। 21 और 22 दिसंबर को कॉलेज प्रांगण में यह प्रतियोगिता करवाया गया, जिसमें 5 लड़की और 4 लड़कियों ने बेहतर प्रदर्शन किया था और अब ये सभी प्रतिभागी चैंपियनशिप यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेघालय में खेल का प्रदर्शन करेंगे। महिला खिलाड़ी 3 से 6 जनवरी और पुरुष टीम 8 से 11 जनवरी को मेघालय में खेलेंगे। लंगटा बाबा कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर कमल नैन सिंह ने कहा कि शतरंज के खिलाड़ी मेघालय में निर्धारित समय के अनुसार 2 दिन पूर्व प्रस्थान करेंगे। इसके लिए खिलाड़ी पूर्ण रूप से तैयार है। महिला टीम में रक्षित सहाय ने बताया कि खेल को लेकर हम सभी काफी उत्साहित है और बेहतर खेल का प्रदर्शन करेंगे। महिला टीम में रक्षित सहाय दीपिका गुप्ता, सपना कुमारी और खुशबू रानी तथा पुरुष टीम में रूपेश कुमार सोनू, भास्कर गुप्ता, देवानंद साव, दिनकर कुमार एवं विक्की कुमार है। टीम मैनेजर कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर राजीव कुमार रहेंगे। विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग ओर से ईस्ट जोन चेस टूर्नामेंट 2023-24 का आयोजन लंका बाबा कॉलेज मिर्जागंज में कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिसमें महिला और पुरुष 2 टीमों का चयन करना था यूनिवर्सिटी लेवल पर और वह 21 और 22 तारीख को यह टूर्नामेंट लंका बाबा कॉलेज गुजरने की भी इच्छा मन में रखती हैं। हम भी आशा और विश्वास के साथ इन शुभकामनाएँ देते हैं कि आप जाएं और इस चैंपियनशिप में चेस टूर्नामेंट के आप बढ़िया से बढ़िया पदक हासिल करें। जो ट्रेनिंग यहाँ पर चल रही है 27 तारीख से लेकर के 31 दिसंबर तक यह चल रही है और इसके प्रशिक्षक हैं, रिटायर्ड हैं बैंक मैनेजर से और श्री अशोक कुमार सिन्हा जी जो न्यू बरगंडा निवासी हैं और ये प्रशिक्षण बच्चे और बच्चियों को दे रहे हैं। बहुत सारा टिप्स भी इन लोगों ने इनके द्वारा ग्रहण किया है जो मेघालय में काम आएगा, ऐसा हमारा विश्वास। क्या नाम हो सर आपका? कमल नयन सिंह। मेरा नाम रक्षित साय है और हम लोग यहाँ अभी गिरिडीह में चेस कैंप में खेलने आए हैं। इससे पहले हमारा इंटर कॉलेज हुआ था लंगटा बाबा कॉलेज मिर्ज़ापुर में और वहाँ का डेट था 22 से लेकर के 21-22 तक का डेट था, तो वहाँ पे संत कोलंबस की टीम हमारी विक्ट्री हुई और इसीलिए हमारा सिलेक्शन वीवीयू यूनिवर्सिटी के द्वारा आगे बढ़ा और अब हम लोग को ईस्ट जोन खेलने के लिए अपनी यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए ईस्ट जोन खेलना है। लड़कियों का कंपटीशन वहाँ 3 से 6 जनवरी तक है और लड़कों का कंपटीशन वहाँ 6 तारीख से 8 तारीख तक है। 8 से 11 है लड़कों का कंपटीशन। तो हम लोग अब यहाँ पे कैंप में अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं और सर के माध्यम से हमारे प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो रही है। हमें कोच वोच सब अलॉट हुए हैं तो हम अब हमारा यही है कि वहाँ जाएं और अपना जितना अच्छा भी प्रैक्टिस किए हैं वो हम लोग अच्छे से करें ताकि जीत सके वहाँ का कॉम्पिटिशन। कहाँ होना है टूर्नामेंट? मेघालय USTM में, USTM यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेघालय। सेंट्रल फार्मा यानी दवाइयों का जंक्शन, जहां 24 घंटे अनुभवी चिकित्सक आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए उपलब्ध है। यहां प्रत्येक बुधवार 1 से 3 बजे तक मस्तिष्क रीढ़ नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वैभव कुमार प्रत्येक माह के पहले एवं तीसरे रविवार को दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक चर्म बाल नाखून एवं गुप्त रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रदीप कुमार एवं प्रत्येक माह के दूसरे एवं चौथे रविवार को दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक नाक कान गला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर धीरज कुमार अपनी सेवा प्रदान करते हैं। इसके अलावा अन्य रोगों के लिए और भी अनुभवी डॉक्टरों की सुविधा उपलब्ध। इसके साथ साथ सेंट्रल फार्मा में सभी प्रकार के दवाइयों पर 12% तक फ्लैट डिस्काउंट दिया जाता है। वहीं बाहर से दवा मंगवाने के साथ साथ होम डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध। तो स्वास्थ्य से जुड़ी किसी भी प्रकार की समस्या के समाधान हेतु आज ही संपर्क करें सेंट्रल फार्मा, सेंट्रल ट्रावर, पचम्बा रोड, बोड़ो, गिरिडीह।